बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कैसे मेहनत करते हैं, आज हम आपको यह दिखाने वाले हैं। तस्वीरों में दिख रहे यह बसपा के प्रत्याशी हैं, जिन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती तथा सतीश चंद्र मिश्रा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और इन्हें बाराबंकी जनपद के सदर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। आइए आपको हम इनका परिचय कराते हैं। नाम है डॉक्टर विवेक वर्मा। जानकारी के लिए बता दें कि 2022 का विधानसभा चुनाव सदर सीट पर काफ़ी दिलचस्प होता दिख रहा है। एक तरफ जहां सपा के प्रत्याशी का नाम सबके सामने है, वहीं बसपा के प्रत्याशी के रूप में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर विवेक वर्मा अब मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार को लेकर अभी अटकलों का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी का इंतजार है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक वर्मा ने अपना टिकट घोषित होने के साथ ही अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। उनका मकसद है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की नीतियों को आमजन के बीच पहुंचाकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फलसफे को चरितार्थ करना है। डॉक्टर विवेक एक जाना माना नाम है, जिन्होंने दर्जनों जनपदों में नेत्र शिविर के जरिए मामूली मूल्यों पर मोतियाबिंद के रिकार्ड ऑपरेशन करके अब तक लाखों लोगों को आंखों की रोशनी देने का काम किया है। जिले की जाने माने विधायक रहे स्वर्गीय रामचंद्र बख्श सिंह, जो उनके मौसा भी हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति के जरिए समाज की सेवा करना अपना लक्ष्य बना चुके हैं। इसकी प्रेरणा उनकी माँ स्वर्गीय विजयलक्ष्मी से मिली है। डॉक्टर नेपाली नाम से दूर दूर तक मशहूर विवेक वर्मा जनसंपर्क के साथ लोगों के दुख सुख में शरीक हो रहे हैं। सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का उद्देश्य यह है कि सीट लखनऊ से जुड़ी होने के साथ जनपद का मुख्यालय भी है। इस विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास करने का सपना सजोते हुए यहाँ रोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए आधुनिकीकरण करना उन्होंने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जलभराव, पीने के पानी की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के क्षेत्र में महानगरों जैसी सेवाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का सपना उन्होंने देखा है। इस सीट को जीतकर जनता को भेंट स्वरूप देने की विवेक इच्छा रखते हैं। जय भीम जय भारत। मैं डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा, जो नाम अभी चर्चित है, पहले किसी नाम से और चर्चित था, वो मेरी माँ का नाम था, वो नाम था विजय लक्ष्मी, और उसी नाम के सहारे मैं पिछले 12 साल से एक पथ पे चल रहा हूँ, वो है किसी की सेवा का पथ। उसी सेवा को पथ को मैं बढ़ाने के लिए मैं फिर से आपके बीच में आया हूँ, और बहन जी के दिशा निर्देश पे, जिसमें उनका एक सपना है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसके क्रम में उन्होंने मुझे चुना है, और माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो समतामूलक समाज स्थापित करने का प्रयास था, उसी प्रयास में मैं भी बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर मैं काम करने का प्रयास करूंगा।